छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रायपुर जिले में 17 तारीख को कोरोना के 53 पॉजिटिव मामले मिले थे, वहीं 18 तारीख को इसकी तादाद बढ़ गई। 18 अप्रैल को रायपुर जिले में 84 कोरोना के नए मामले मिले। इसके साथ ही अब टोटल एक्टिव केसेस की संख्या 297 तक पहुंच गई है। वहीं राजनांदगांव जिले की बात करें तो 17 तारीख को जहां 50 केसेस मिले थे, वहीं 18 अप्रैल को राजनांदगांव में 52 कोरोना के पॉजिटिव केसेस मिले हैं। इसके साथ ही अब एक्टिव केसेस की संख्या 200 के पार पहुँच गई है। बिलासपुर और सरगुजा दोनों ही जिलों में कोरोना के मामले 38-38 मिले हैं। इसके साथ ही बिलासपुर में टोटल एक्टिव केसेस की संख्या 195 हो गई है, वहीं सरगुजा में टोटल एक्टिव केसेस की संख्या 160 पहुंच गई है। सूरजपुर और दुर्ग दोनों ही जिलों में कोरोना के मामले 30-30 मिले हैं। इसके साथ ही दुर्ग जिले में टोटल एक्टिव केसेस की संख्या 204 हो गई है, वहीं सूरजपुर में टोटल एक्टिव केसेस की संख्या 160 पहुंच गई है। इस बीच खबर विभाग भी आप सबसे यही अपील करता है कि भीड़ भरे इलाकों में ना जाएं, मास्क का उपयोग करें और लक्षण पाए जाने पर कोरोना जांच जरूर करें।